नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारा देश कोरोना नाम की बीमारी से जूझ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस वजह से देश में लॉकडाउन भी अनाउंस कर दिया है। पर प्रैक्टिस में जो नोटिस कर रहे हैं लोग, वो यह है कि दो किस्म की धारणाएं चल रही हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में हैं और वो सोच रहे हैं कि ये उनका अंत है, और कुछ लोग बिल्कुल ही बेफिक्र हैं और घूमने फिरने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोनों ही धारणाएँ गलत हैं। अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें कोरोना को समझना पड़ेगा। कोरोना है क्या? कोरोना एक वायरस है जो और किसी वायरस जैसा ही है, पर यह इतना घातक इसलिए है क्योंकि इंसानी सिस्टम के लिए नया है। इसलिए इंसान को कैसे इसके साथ अडैप्ट करना है अभी नहीं पता है। दूसरी चीज़ जो इसको घातक बनाती है वो है कि ये बहुत ईजिली ट्रांसमिसिबल है। अगर आप थोड़ा सा भी दूर हो किसी मरीज के तो ये आपको हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि जब पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, जब उसको कोई भी लक्षण बीमारी के नहीं होते, उस वक्त भी ये बीमारी को ट्रांसमिट कर सकता है। तो कोरोना के लक्षण क्या होते हैं? शुरू के 4-5 दिन में तो कोई लक्षण होते नहीं, और यही सबसे घातक स्टेज है क्योंकि पेशेंट अनजाने में कितने भी लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगर सिम्टम्स आते हैं तो फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, कफ, कोल्ड, बुखार, हेडेक, बैकएक, दस्त, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अगर ये बीमारी बढ़ती जाए तो लंग में ये घातक हो सकती ही है और रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकती है, जिसके लिए एडमिट होके इंट्यूबेशन तक की रिक्वायरमेंट आ सकती है और डेथ के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए ही ये बीमारी डेंजरस है। हमारे पास अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ना कोई वैक्सीन है, तो इसलिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है प्रिवेंशन। तो हम सब ने आजकल सुना होगा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है? कि हम मास गैदरिंग में ना जाएं, बहुत सारे लोगों के बीच में ना बैठें, और जब लोगों के साथ मिले भी तो कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें, जिससे कि अगर वो गलती से इन्फेक्टेड भी है तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस कम से कम हो। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आगे ट्रांसमिट ना करे, क्योंकि ये घूम फिरा के अगर कम्युनिटी में फैलेगा तो अपने ही लोगों को, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फेक्ट करेगा। इसको जब तक हम चेन को ब्रेक नहीं करेंगे ये बीमारी रुकेगी नहीं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाइजीन, हैंड वॉशिंग विथ सोप। क्योंकि वायरस एक पार्टिकल है, प्रोटीन पार्टिकल, ये सोप इसके लिए बहुत ही घातक होता है। तो आप फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करिए, खासकर जब भी आप बाहर से अंदर आते हैं, आप डोर नॉब्स को टच करते हैं, आप अपने नियर एंड डियर वंस के आसपास जाते हैं, और रूटीनली भी हर घंटे में अगर आप हैंड वॉश करते हैं तो ये आपके हाथों से क्लीन हो जाएगा। आपको अवॉइड करना चाहिए कि हाथों को आप नाक, मुंह और कान पे लगाएं, आंख पे लगाएं, जिससे कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो। दूसरा, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइज़र आजकल थोड़े महंगे हैं, अवेलेबिलिटी कम है, बट अगर आपके पास है तो आप फ्रिक्वेंटली हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ भी कर सकते हो। हमें अपने क्लोथ्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए डिटर्जेंट में, क्योंकि अगेन डिटर्जेंट से ये वायरस मरेगा। और अगर हो सकता है तो हम अपने घर में ये ब्लीचिंग पाउडर्स, जो क्लोराइड होता है, उससे पोछा लगा सकते हैं, जिससे कि ये वायरस मरे। जितना हम इसकी चेन को ब्रेक करेंगे ये उतनी ही इजीली कंट्रोलेबल होगा। और जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि ये जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन्स है, उनमें ये बहुत ही जल्दी बढ़ता है और डेंजरस हो सकता है। तो उस पॉपुलेशन से हम थोड़ी दूरी बना के रखें, उनको हम जो टेंडर लव हम पास जाके देते थे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें उनके साथ, जिससे कि उनको इन्फेक्शन ये ना। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है या सिम्टम्स आने लगते हैं तो उनको ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के पास जाएं, अपने सिम्टम्स को बताएं, और अगर रिक्वायर्ड हो तो टेस्टिंग करें। अगर हमें कोरोना से जीतना है तो हमें कुछ ये एहतियात बरतनी पड़ेंगी, और मुझे विश्वास है कि हम सब ये मिलके कर सकते हैं। धन्यवाद।